वेलकम बैक दोस्तों, मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये है पार्ट नंबर 1। अब ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा ईजी है, और दूसरा इसलिए क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, ईजी होता है और साथ में वेटेज इसका ठीक ठाक है। और एक और स्पेशल बात इस चैप्टर की ये है कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। ये आपका चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है। इसमें आपको क्या है, हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, आपके जो स्टार्टिंग में डिस्कवरीज हुई, फॉर एग्जाम्पल आपके जो डोबरेनिया ट्रायड्स है, न्यूमेल ऑफ ऑक्टेट्स है, उसके बाद आपका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, वो सब जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट थे, वो आपको पते होने चाहिए। और साथ में फिर पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग देखते हैं जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, जो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमको पता हैं, और इसकी जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। एंड आउट ऑफ दिस, इसमें 118 में से आपके 98 ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है, और बचे जितने यानी कि अप्रॉक्स 20 जो बचे वो आर्टिफिशियल हैं, यानी वो मैन मेड हैं, उसको लेबोरेटरीज वगैरह में प्रिपेयर करके बनाया गया है। अब बच्चों क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, वो चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहता है, वो चीज़ों को अरेंज करना चाहता है। इसीलिए क्या हुआ, जब आपके नेचर में इतने सारे चीज आ गए तो क्या हुआ, इनको नीड पड़ी इसको अरेंज करने की, इसको क्लासिफाई करने की। तो वहां से आपका शुरू हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपके कई सारी थ्योरीज आई, कई सारे लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, कई सारी थ्योरीज दी, फिर पुरानी थ्योरीज रिजेक्ट होते गई, उसके बाद नई थ्योरीज आई, उनको एक्सेप्ट किया गया, और फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक प्रॉपर थ्योरी है। अब क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि हमको कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिले, और पैटर्न कुछ शेप या साइज का नहीं, पैटर्न मिले उनकी प्रॉपर्टीज़ का। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग अटेम्प्ट शुरू करे, अलग अलग स्टडीज शुरू की, ताकि वो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकें। अब जब क्लासीफाई करने में अलग अलग अटेम्प्ट हुए, तो उनमें जो अर्लीस्ट स्टेप था, जो आपका स्टार्टिंग में अटेम्प्ट लिया गया, उसमें क्या करें, हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिए, किस बेसिस पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पर। फिर इसके कुछ सालों बाद क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हुआ, अलग अलग प्रॉपर्टीज लोग पढ़ने लगे, अलग अलग इसमें डिस्कवरीज और अलग अलग थ्योरीज लाने लगे। तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ा, वैसे ही क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नॉलेज भी बढ़ते गए। तो सबसे पहले आया हमारा डोबरेनिया ट्रायड्स। तो ये डोबरेनिया ट्रायड्स का कंसेप्ट था, ये हमारे एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और उनका नाम क्या था, जोहान वोल्फगैंग डोबरेनियर। तो अभी जो सर डोबरेनियर थे, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ग्रुप्स में। तो उन्होंने क्या है, स्टार्टिंग में तीन तीन के ग्रुप बनाए, जैसे आपको नाम से पता चला ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब क्या किया, उन्होंने तीन तीन का ग्रुप बना दिया उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और ये जो तीन तीन का ग्रुप बनाया, इनको उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। और साथ में ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, उनके बारे में एक और पॉइंट है कि डोबरेनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। उन्होंने क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था किस पर, प्लैटिनम पर। प्लैटिनम भी आपका एक एलिमेंट होता है, और उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करना इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। और साथ में इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड सिमिलर ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी तरीके से डिफरेंट ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए, जिससे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स था, उसकी शुरुआत हुई। अभी जो ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट तो आपको ऊपर लिखा ही है, मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीनिंग ये है कि डोबरेनिया ट्राइड में आप तीन एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ए बी सी कोई तीन एलिमेंट ले लिए। तो डोबरेनियर सर ने कहा था कि जो ये आप ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप हो गया आपका तीन एलिमेंट का, तो इस ग्रुप में आप जो एलिमेंट्स लिखेंगे, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में लिखेंगे, एटॉमिक मास में। ठीक बच्चों, यानी सबसे जो पहले आएगा वो सबसे कम मास, उससे ज्यादा वाला मास उसके बाद, और उससे ज्यादा वाला मास सबसे एंड में। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका बीच वाला मास रहेगा, बीच वाले एलिमेंट का मास रहेगा, वो फर्स्ट
और थर्ड वाले एलिमेंट का एवरेज रहेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी उनके कहने का मतलब था कि जो मास ऑफ बी होगा, हमारा बीच वाला जो एलिमेंट होगा, वो एवरेज ऑफ मास ऑफ ए एंड सी होगा, यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी डिवाइडेड बाई टू, लगभग कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। तो इस रिलेशन के बेसिस पर उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, ट्राइड्स। तो अब जो कुछ ट्राइड्स थे उसके बारे में देखते हैं। डोबेरिया ट्राइड्स आपके ये थे। पहला ट्राइड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। देखिए इसको आप लोग वर्टिकली देखेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं, ये आपका एक ग्रुप हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। सिमिलरली ये आपका सेकेंड डोबेरिया ट्राइड था, क्या क्या है ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोनशियम है और ये बेरियम है। और थर्ड आपका जो डोबेरिया ट्राइड है वो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए इन्होंने जो प्रॉपर्टी बताई थी एटॉमिक मासेस वाला, उस पर ध्यान देखें। तो देखिए बच्चों, लिथियम का मास अप्रॉक्सीमेटली 7 होता है, सोडियम का आप सबको पता है अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है, और पोटेशियम का मास अप्रॉक्सीमेटली 39 होता है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहला काम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, 7, 23 पे 39। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी उन्होंने ये बोली कि जो आपका बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो मास है वो फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज होगा। तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, यानी 46/2, जो कि आपका 23 आ गया। मतलब ये एक परफेक्ट डोबेरिया ट्राइड हुआ। तो ये पेयर था आपका फर्स्ट। सिमिलरली अगर आप इसमें कैलकुलेट करना चाहें तो आप खुद से घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का आप अप्रॉक्स 40 ले लीजिएगा मास, स्ट्रोनशियम का होता है 87.6, और जो बेरियम है इसका मास होता है 137.3। आपको याद नहीं करना है ये मासेस, पर आपको ये पेयर से याद रखना है कि कौन कौन से डोबेरिया ट्राइड्स के पेयर थे, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ दीज वर डोबेरिया ट्राइड्स। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा और ऐसे एक पेयर रहेगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर तीसरा ये है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, अगर इसको भी आपको चेक करना हो तो आप घर पे चेक कर सकते हैं। क्लोरीन का मास आप ले लीजिएगा 35.5, ब्रोमीन का आप लोग ले लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 80, और आयोडीन का आप लोग ले लीजिएगा 127। तो इसको भी आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके डिवाइड बाई टू करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। अब क्या हुआ, तो बच्चों जिस ईयर में डोबेरिनियर ने ये डिस्कवर किया उस टाइम तक ज़्यादा एलिमेंट्स आपके डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही एलिमेंट्स नोन थे। तो उस टाइम उन्होंने बस तीन पेयर बना पाए, एक तो उन्होंने ट्राइड्स बनाया यानी तीन का पेयर, और तीन का पेयर भी कितने बनाए थे उस टाइम उन्होंने, तीन डिस्कवर किए थे। तो लेटर ऑन क्या हुआ, ये जो थ्योरी थी इनकी, ये जो इनकी डिस्कवरी थी, ये उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं हुई। इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, इस मॉडल का ड्रॉप कर दिया गया, यानी इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद एक नई थ्योरी आई जो दी थी जॉन न्यूलैंड्स ने, और उस थ्योरी का नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो जो हमारे सर जॉन न्यूलैंड्स थे, इन्होंने ईयर 1866 में क्या किया, जो हमारे उस टाइम पे प्रेजेंट एलिमेंट्स थे जो उस टाइम तक डिस्कवर किए हुए थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे अरेंज कर दिया। याद करिए जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस भी किया था, और जो ये केस है इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। अब उसके बाद जो उन्होंने थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ एर्थ एलिमेंट है, तो क्या क्या करते हैं, हम आठ आठ का ग्रुप बनाते हैं। तो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ एर्थ एलिमेंट होता है वो रिपीट करता है प्रॉपर्टी, और वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सेम मैच करता है। अब जो टेबल उन्होंने उस टाइम डिस्कवर की उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो कहाँ से, हाइड्रोजन से अरेंज थे। हाइड्रोजन का उस टाइम पे सबसे लोएस्ट मास था जो अभी भी है, और वो एंड हो रहा था 56 एलिमेंट थोरियम पे, क्योंकि उस टाइम आपके सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे तो थोरियम तक ही उस टाइम पर डिस्कवरी हुई थी। तो उन्होंने जो टेबल बनाया उसमें हाइड्रोजन से लेकर 56 एलिमेंट थोरियम तक को क्लासीफाई कर दिया ऑक्टेव्स में, और जो ऑक्टेव्स आपका म्यूजिक में पाया जाता है सेम उसी से इन्होंने इस मॉडल को कंपेयर किया, और उसी रीजन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर आपके साइंटिस्ट का नाम के साथ इंक्लूड करें तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जो इन्होंने टेबल डिस्कवर किया था एक बार उसको देखते हैं। तो ये था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एवरी एर्थ एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, रिजेंबल करेगा, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि जो हमारा लिथियम होगा और जो सोडियम होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी,
अभी जो सोडियम है ये क्या है, लिथियम के बाद आपका एट्थ एलिमेंट। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो सोडियम है ये आपका एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम है। इसी तरह उन्होंने ये पॉइंट बोला कि बेरिलियम और मैग्नीशियम भी आपके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब जो ओरिजिनल ये था आपका न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स, ये काफ़ी अलग था, ये एक मॉडिफाइड टेबल है, ये आपको इजी फॉर्म में एक्सप्लेन हो जाए इसलिए यहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। और जैसे आपका म्यूजिक में नोट्स होते हैं सारे गामा पा दा नी, उसी टाइप का देखिए इसमें भी बनाया गया है। और यहीं से जो आपका ऑक्टेव टर्म है, जहाँ से इस थ्योरी का नाम भी पड़ा न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स, यहाँ से आया है, यानी कि आपके म्यूजिक से कोरिलेशन करके। अब लेटर ऑन जब फर्दर स्टडीज किया गया तो ये थ्योरी को गलत पाया गया, इसमें कई सारे फॉल्ट्स थे, इसमें कई सारे क्या थे, लिमिटेशंस थे, डिफेक्ट्स थे। तो सबसे पहला ये था कि जो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था, और आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रही थी, ये वाला जो रूल था ये फॉलो नहीं हो रहा था। फिर सेकेंड डिफेक्ट क्या था, उस टाइम तक इनको लगा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं टोटल नेचर में, क्योंकि उतने ही डिस्कवर किए गए थे। पर लेटर ऑन क्या हुआ, जब फर्दर स्टडीज़ हुई, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फर्दर थ्योरीज आई, फर्दर डिस्कवरीज हुई, तो पता चला कि 56 एलिमेंट्स नहीं है और भी कई सारे हैं, तो उसमें ऐड होते गए, तो ये थ्योरी यहाँ पर जो है गलत हो गया। और ये भी बात है, ये जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे ये यहाँ पर टेबल में फिट भी नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। अब उन्होंने फिट करने का ट्राई भी किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख रहे हैं कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक ही ब्लॉक में डाल दिया, और ये उसी कॉलम में डाल दिया जिसमें आपके फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन थे। और हमको पता है ये फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से एंटायरली डिफरेंट होता है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अब आपको तो इतना मॉडर्न वाला क्लासिफिकेशन पता ही है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब आपके हेलोजेंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है किससे, कोबाल्ट और निकल से। तो जो इन्होंने थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश किया वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। और वहीं कोबाल्ट और निकल से किसकी प्रॉपर्टी मिलती थी, आपकी आयरन की, तो आयरन को तो इतना दूर रख दिया गया। और फिर फर्दर ईयर्स के बाद क्या हुआ, आपकी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, और नोबल गैसेस की जैसे ही डिस्कवरी हुई उसके बाद आपका ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का मॉडल था ये टोटली इररिलेवेंट हो गया। अब ये वाला जो मॉडल अभी हम लोग पढ़ा ऑक्टेव्स वाला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जामिनेशन में, पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहाँ से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है, तो 56th एलिमेंट थोरियम तक ये रहता है मॉडल। और बाकी ये जो मेन स्टेटमेंट था ये देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये मेन स्टेटमेंट देख के पूछ सकता है कि ये किसकी थ्योरी थी, डोबेरेनियन ट्राइड्स की थी या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की थी, या एक दो थ्योरी ऐसे आपको ऑप्शन में बना के कुछ भी रैंडमली पूछ सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये ध्यान रखिएगा, और ये ऊपर वाला पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद आपका आया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद आपका क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म में पढ़ते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग पीरियोडिक टेबल हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट होता है एलिमेंट्स का, जिसमें हम एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ताकि वो सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में आ जाएं। अब इसके बाद दो नए टर्म्स और पढ़ते हैं, एक है पीरियड्स और दूसरा है ग्रुप्स। तो देखिए बच्चों क्या है, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, मतलब जो ऐसे रहते हैं इनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। और जब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक बच्चों। और वहीं पर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं यानी जो इस शेप में होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें आपके 18 ग्रुप्स हैं। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए आप ये दो पॉइंट जरूर याद रख लीजिए, एक तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये समझ लीजिए, और ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स का कंसेप्ट है इसको समझ लीजिए। अब वापस आते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पे। तो क्या हुआ, आपके दो थ्योरीज ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए थे, एक तो डोबेरेनियन ट्राइड्स का जो अभी पहले पढ़ा, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। पर दो थ्योरी के रिजेक्शन के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पता करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए एलिमेंट्स के। तो जब सब साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, उस टाइम मेंडेलीव सर जो थे उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की। तो उस टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने क्या किया, जो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस थे और साथ में उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी उनको स्टडी किया और उनके बीच में कोरिलेशन लाने की कोशिश। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेन क्रेडिट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो इन्हीं को जाता है, दिमित्री
इवोनिच मेंडलीव को, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर आगे का जो आपका पीरियोडिक टेबल था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो यहीं से आया था, मेंडलीव से। और जो सर मेंडलीव थे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर थे स्टार्टिंग के जो अर्ली डेवलपमेंट शुरू हुआ था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस समय द एटॉमिक मास के बेसिस पर, और ऑल्सो जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बेसिस पे, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उस पे मेंडलीव ने बेसिकली फोकस किया था ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्यों चूज किया, ये रीज़न आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, रीज़न ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो वेरी रिएक्टिव थे और ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना लेते थे अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करके। और जो उस टाइम पे फॉर्मूले डिस्कवर किए गए इनका रिएक्शन से, यानी जो हाइड्राइड्स बने हाइड्रोजन के रिएक्शन से और जो ऑक्साइड्स बने ऑक्सीजन के रिएक्शन से, इन्हीं को एज अ बेसिक प्रॉपर्टी मान के आपके एलिमेंट्स का क्या हुआ, क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे जो 63 एलिमेंट्स थे, तो 63 एलिमेंट्स के नाम क्या किया, एक एक कार्ड पे लिखकर उन्होंने वॉल पे चिपकाना शुरू किया। और वॉल पे चिपकाकर जब उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो 63 एलिमेंट्स थे ये प्लेस हो जा रहे थे उस टेबल में कहीं ना कहीं। और जो अरेंजमेंट था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, किस बेसिस पे था, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे था। अब जब मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज कर लिया तो उसके बाद एक चीज़ उन्होंने नोटिस की, उन्होंने ये पाया कि सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या होता है, एक आपका पीरियोडिक रिकरेंस होता है, यानी सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करते हुए आपके कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बाद एलिमेंट्स रिपीट करते हैं। और इसी पॉइंट के बेसिस पर मेंडलीव ने क्या किया, एक फॉर्मूला पोस्टुलेट किया, एक पीरियोडिक लॉ दिया। और जो पीरियोडिक लॉ दिया उसका स्टेटमेंट ये था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इस पर आपको दो पॉइंट याद रखना है, क्या कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक तो वो पीरियोडिक होती हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट करती हैं, और दूसरी बात ये कि वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे आपको क्लासिफाई किया था उस टाइम पे जितने भी डिस्कवरीज हुई थी स्टार्टिंग के इनिशियल जो थ्योरीज आई थी उसमें क्या था, आपका एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में इसको अरेंज कर दिया जाता था और उसके बेसिस पे आपकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी उसको क्लासिफाई किया जाता था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है यही था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज थे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो प्रॉपर्टीज आपको मिली थी उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया था। अभी जो आगे आपको कॉलम में देख रहा है ये जनरल नेम दिया गया था, R2O, RO, R2O3, ऐसे ही RH, RH2, RH3, जहाँ पर ये जो आपका R दिख रहा है ये लेटर R रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक एलिमेंट को इस पर्टिकुलर ग्रुप में। एग्जांपल के लिए अगर हम इस फर्स्ट वाले में देखें तो अगर R की जगह हम Na ले लें तो ये जगह इसका ऑक्साइड क्या होगा, Na2O, और जो हाइड्राइड होगा वो हो जाएगा NaH, यानी R आपका जो है वो रिप्लेस कर लेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, और ये एक जनरल फॉर्मूला आपका दिया हुआ है सबसे ऊपर। अब कुछ और बातें इससे पीरियड से जो पीरियडिक टेबल आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड कर लेते हैं। एक तो हमने मासेस वाला प्रॉपर्टी देख लिया कि क्या था, इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में इसको अरेंज किया गया है, और अरेंज कैसे किया गया है, हॉरिजॉन्टल रोज में इस फॉर्म में। सेकंड पॉइंट आपको इस टेबल का ये याद रखना है कि इसमें 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। अब पीरियड्स का मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीरियड्स मतलब क्या होगा, आपके हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल मतलब इस शेप में, और क्या थे, 8 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स का मतलब हो गया आपके वर्टिकल कॉलम्स जो कि ऐसे थे। तो अगर आप यहाँ देखें 8 ग्रुप्स, ये देखिए यहाँ 1 से शुरू हो रहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ एंड तक 8 तक जा रहा है। और वहीं पीरियड्स की बात करें तो 7 पीरियड थे, ये हो गया 1st 2nd 3rd 4th, और ऐसे करके आपका 7th पीरियड तक जा रहा था। अब एक और पॉइंट ये देखिए कि जो आपके 8 ग्रुप्स थे आउट ऑफ 8 ग्रुप, ये जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो आपके 1st 7 थे ये नॉर्मल एलिमेंट्स थे, और जो 8th ग्रुप था ये लास्ट वाला ये क्या था, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए था, ये ट्रांजिशन सीरीज था। और जब ये टेबल डिस्कवर किया गया था उस टाइम तक आपके जो नोबल एलिमेंट्स थे, नोबल गैसेस थे, वो अननोन थे, यानी वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसीलिए जो आपका ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है
उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था। अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग दो एलिमेंट्स देखिए, एक तो ये कोबाल्ट और एक निकल। अगर आप ध्यान दें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.93, और निकल का है 58.71। तो अगर सीरीज के अकॉर्डिंग देखें जिसमें मासेस के बेसिस पर अरेंज किया गया, तो निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। पर क्योंकि मेंडेलीव का जो उस टाइम मेन टारगेट था, जो मेन फोकस था, वो ये था कि जो ये वर्टिकल कॉलम्स बन रहे हैं इसमें जो एलिमेंट्स आए वो सिमिलर प्रॉपर्टीज से आए, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करें। तो इसीलिए कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी मिल जाएंगे जो थोड़ा डिसअरेंज्ड हैं, यानी आगे पीछे हैं। उन्हीं में से एक पेयर है आपका ये कोबाल्ट और निकल का, और ये इसलिए किया गया था ताकि आपका ये जो कोबाल्ट है ये सेम सीरीज में, सेम लाइन में आ जाए जिसमें ये है आपका रोडियम RH। क्योंकि जो कोबाल्ट और रोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर हैं, ये एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। इसी तरह अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको अलग अलग थोड़ा सा मिसमैच मिल जाएगा, ये TE का जो एटॉमिक मास है वो है 127.6 और I का है 126.9। तो I को पहले होना चाहिए था और TE को बाद में होना चाहिए था, पर सिमिलर प्रॉपर्टीज जो उनका मेन टारगेट था इसीलिए ये थोड़ा सा डिसमैच्ड, यानी आगे पीछे कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था इसमें कई सारे गैप्स थे। अब उस टाइम पर उन्होंने उस गैप्स को डिफेक्ट ना बोल करके उसको एज अ गैप ही छोड़ दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बोल्डली उसी टाइम प्रेडिक्ट कर दिया, बता दिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि कुछ और एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पर फिट बैठेंगे, और अभी प्रेजेंट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं किए गए हैं। अब जो उन्होंने प्रेडिक्शन लगाया कि जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहेंगे उनका उन्होंने नेम दे दिया, और नेम ऐसे दिया था कि उसका एक प्रीफिक्स दे दिया, संस्कृत प्रीफिक्स। संस्कृत प्रीफिक्स जो उन्होंने दिया उसका नाम था एका, EKA, एका, और एका का मीनिंग क्या होता है, वन। अब ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। अब जो उन्होंने उस टाइम पर प्रेडिक्ट किया था उसमें क्या किया, प्रीफिक्स लगा दिया एका, और एका प्रीफिक्स कहाँ पर लगाया, उसके एक एलिमेंट पीछे पर, सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप के एक एलिमेंट पीछे पर, यानी प्रिसीडिंग एलिमेंट के, और ये प्रिसीडिंग एलिमेंट कहाँ हो, वहीं सेम ग्रुप में हो। तो उसके नेम के आगे उन्होंने क्या लगा दिया, एका लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम क्या हुआ था, बाद में डिस्कवर हुए थे, और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर किसे थी, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन से रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब एका बोरॉन का स्कैंडियम से प्रॉपर्टी सिमिलर था, एका एल्यूमिनियम का गैलियम से, और एका सिलिकॉन का जर्मेनियम से। फिर देखिए क्या पॉइंट कह रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाई मेंडेलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम वर डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम। तो ये पॉइंट सिंपली ये कह रहा है कि जो आपका एका एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी था, यानी जो हमारा ब्लैंक स्पेस था जिसको हमने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, इसकी प्रॉपर्टीज किसने ले ली, गैलियम ने। बाद में क्या हुआ, आपका गैलियम डिस्कवर किया गया था, और ये बोला गया कि जो एका एल्यूमिनियम हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इसका नाम वो क्या है, एक्चुअल में गैलियम है। तो बाद में जो एका एल्यूमिनियम था इसको रिप्लेस कर दिया गया और गैलियम यहाँ पर नाम दे दिया गया। अब प्रॉपर्टीज जैसे हम देखें तो एका एल्यूमिनियम का जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी था वो था कि इसका एटॉमिक मास 68 होगा, और गैलियम का एक्चुअल में है 69.7, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही था। फिर इसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड प्रेडिक्ट किया गया था कि एका एल्यूमिनियम जो भी आएगा, जो भी डिस्कवर होगा इन फ्यूचर, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3 और क्लोराइड का फॉर्मूला होगा ECl3। तो बाद में जब गैलियम डिस्कवर किया गया तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पाया गया Ga2O3, और जो उसका क्लोराइड था उसका फॉर्मूला पाया गया GaCl3। तो ये देखिए काफ़ी हद तक सिमिलर था, ऑलमोस्ट सेम ही था। तो इस तरह आपका जो ये जो गैलियम एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ है इसने एका एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया, और ये जो तीनों नाम थे ये आप लोग याद रखिएगा, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और किससे रिप्लेस हुए, एका बोरॉन स्कैंडियम से, एका एल्यूमिनियम गैलियम से, और एका सिलिकॉन किससे, जर्मेनियम से। अब प्रेडिक्शन जब इतना ज़्यादा एक्यूरेट निकल गया, इतना ज़्यादा ठीक निकल गया, तो ये काफ़ी कन्विंसिंग एविडेंस निकल गया दोनों चीज़ का, एक तो करेक्टनेस का और दूसरा चीज़ यूजफुलनेस, किसका, ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा उसका। और इन्हीं सब की वजह से मेंडेलीव को क्या दिया गया, ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो ओरिजिनेटर बोला गया, ये इसका उपाधि एक तरह से आप कह सकते हैं इन मेंडेलीव सर को दिया गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है नोबल एलिमेंट्स का या फिर नोबल गैसेस का,
तो नोबल गैस जैसे क्या हो गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनका कई बार कंटेक्स्ट जो है आया था, कई बार इनके बारे में पीछे डिस्कशन हुआ था, तो बाद में जाके लेटर ऑन क्या हुआ, इनकी डिस्कवरी हुई। अब इनकी डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी, काफ़ी लेट होने का रीज़न ये था कि एक तो ये इनर्ट थे यानी बहुत कम रिएक्टिव थे, और दूसरा रीज़न ये कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट थे, जो इनका कंसेंट्रेशन था वो काफ़ी लो था। अब जो अभी हमने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसका एक यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, उसका स्ट्रेंथ ये था कि हम इन एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में, उस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकते हैं, और प्लेस इस तरह से करेंगे कि इनका एक हम लोग न्यू ग्रुप बना देंगे। तो न्यू ग्रुप बनाने से क्या होगा, जो आपके पिछले एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और इनका भी प्रॉपर पोजिशनिंग हो जाएगा न्यू ग्रुप बनाकर। अब यहाँ तक तो सब चीज़ अच्छा चल रहा था, पर इसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ लिमिटेशंस आ गए, यानी कुछ कुछ डिफेक्ट्स आ गए। तो अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ्स क्लासिफिकेशन वो देखते हैं। तो पहला जो लिमिटेशन था वो था हाइड्रोजन को लेकर, यानी जो हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, अब हम लोग जानते हैं इसकी पोजिशनिंग को लेकर कई सारे डाउट्स आ रहे थे कि इसको हम प्रॉपरली कहाँ पर रखें। दो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे थे, या तो इसको हम फर्स्ट में रखें जहाँ पर हमारा सोडियम, पोटेशियम ये सब होता है, या फिर इसको क्लोरीन वाले कॉलम में रखें जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब होते हैं। अब देखिए रीज़न ये था कि जैसे फर्स्ट कॉलम में आपका क्या होता है, सोडियम हो गया या फिर आपका लिथियम हो गया, तो हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करने का रीज़न क्या था कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमको पता है 1 है, और जो लिथियम, सोडियम ये सब का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका अगर आप ध्यान से देखें, जो आउटर मोस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें 1 आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम होता है 281, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे रिजेंबल कर रहा था, और लिथियम का क्या होता है 21, तो यानी आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, सबके 1 आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रहा था, यानी सिमिलर था। अब जैसे ये एल्कली मेटल्स होते हैं ये कंबाइन कर जाते हैं हैलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये जो हमारा हाइड्रोजन था ये भी अलग अलग हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से फॉर्म करके कंपाउंड्स बना रहा था, और जिनके फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर थे। जैसे अगर इस टेबल में देखें तो क्लोराइड से रिएक्शन करने पर जो हमारे एल्कली मेटल हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl, ऑक्साइड से रिएक्ट करने पर Na2O और सल्फाइड से रिएक्ट करने पर Na2S फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए सेम वे में आपका हाइड्रोजन भी फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर रहा है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर रहा है, और सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये देखिए कितना ज़्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और वहीं पर दूसरी तरफ हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो हैलोजन से भी मिल रही थी। अब हैलोजन से इसलिए मिल रही थी क्योंकि जैसे हैलोजन्स डायटोमिक होते हैं, ठीक इसी तरह आपका हाइड्रोजन भी क्या होता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और सेकंड बात ये था कि हाइड्रोजन भी आपका कंबाइन कर जाता है मेटल और नॉन मेटल से, और कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स जैसे आपके हैलोजन्स फॉर्म करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को यहाँ पर भी प्लेस किया जाता है हैलोजन्स के जो कॉलम था उसमें। तो यही पहला डिफेक्ट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का कि हाइड्रोजन को हम प्लेस कहाँ करें, अल्कली मेटल वाले में या फिर हैलोजन्स वाले ग्रुप में। तो लेटर ऑन जब एंड में कुछ नहीं समझ में आएगा तो टॉप ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट टॉप में इस हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया गया, यानी ये जो हमारा अल्कली मेटल का ग्रुप था इसी में इसको प्लेस कर दिया गया। अब इसके बाद जो सेकेंड डिफेक्ट आया था वो था आइसोटोप्स का पोजिशनिंग का। तो जिस टाइम पर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई उसके काफ़ी बाद हमारे आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए। आइसोटोप्स आप सबको पता ही है, ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद ना हो रहा तो याद करिए, हमने क्या पढ़ा था, एक 1H1 पढ़ा था, 1H2 पढ़ा था, 1H3 पढ़ा था, तो ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। और डेफिनेशन क्या जाता था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये था आपका आइसोटोप्स का डेफिनेशन। तो क्या होता है, जब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया उसके कई साल बाद आपके आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। और आइसोटोप्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर रहेगा, जो मास है वो अलग रहेगा, यानी डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा। तो ये जो आइसोटोप डिस्कवर किए गए ये चैलेंज हो गए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कि इसको हम कहाँ पर पोजीशन करें, कहाँ पर इसको रखें उस पीरियोडिक टेबल में। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो एटॉमिक मास में क्या फॉल्ट था कि ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहे थे। जैसे एटॉमिक नंबर में क्या होता है आपका तो पता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे सीक्वेंस में इंक्रीज कर रहा है, एक रेगुलर पैटर्न है, पर एटॉमिक मास में कोई ऐसा रेगुलर पैटर्न नहीं था। तो उस समय दिक्कत ये था कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दो पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए और बी हो गए, तो इसके बीच में
कितने और एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। और ये दिक्कत ज़्यादा तब आ रही थी जब हम लोग हायर मासेस में जा रहे थे, हायर एटॉमिक मासेस, हायर एलिमेंट्स की तरफ जा रहे थे। अब इतने सारे जो प्रॉपर्टी, जो इतने सारे लिमिटेशंस आए, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, इससे बाहर निकलने के लिए हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आया। अब बच्चों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट है और जिसके थ्योरीज वगैरह थी और जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में जो हमने हिस्ट्री की बातें की, ज़्यादातर इसमें क्या था, हिस्ट्री की बातें थी और थ्योरेटिकल बातें थी। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। और आपको याद क्या कर लेना है, एक तो आप ट्रायड्स याद कर लीजिएगा कौन कौन से ट्रायड्स थे, और लॉ ऑफ ऑक्टेट्स में मैंने बताई दिया क्या क्या आपको याद करना है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए, और ये जो एका वाला पॉइंट था इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।